ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 20.2 का ही एक सब टॉपिक है हमारे पास, डेट इज़ द डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस जो है वो क्या है उसको हमने ऑब्जर्व करना है। डी ब्रोगले ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपको एक और बात बताती जाऊँ कि जो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस था वो उसके जो रिजल्ट थे, या आप ये कह लें कि जो आपके पास डी ब्रोगले हाइपोथेसिस है उसकी बुनियाद है वो क्या थी, बोहर एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, तो डी ब्रोगले ने क्या किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल को एक बुनियाद बनाते हुए जो है वो अपना एक हाइपोथेसिस पेश किया था, जिसको उसने डी ब्रोगले हाइपोथेसिस का जो है वो नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू, बोहर मॉडल के थ्रू हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था। तो सेम ऐसे ही डी ब्रोगले ने भी इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और साथ ही साथ वेव नेचर भी रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के राउंड अबाउट मूव कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनकी वेव नेचर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए ख़ास टाइप का पैटर्न बनाते हैं जो कि स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं या फिर स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कंसिडर करें तो आपने जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 वेव्स में, वहाँ पे भी आपने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी, और उन स्टेशनरी वेव्स के दो तरीके थे प्रोड्यूस करवाने के। एक तो आप जो है वो ऑर्गन पाइप्स में प्रोड्यूस करवाते हो, तब जब आपके पास जो आपके पास ऑर्गन पाइप है फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक साइड से खुला हो, और एक कंडीशन ये भी होती है कि आप प्रोड्यूस करवाते हो जब आपके ऑर्गन पाइप दोनों साइड से बंद होता है। तो सेम ऐसे ही अगर आप अपने एक ऑर्बिट को ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एन इज़ इक्वलेंट टू 1 का ऑर्बिट है ये, ठीक है, इस एन इज़ इक्वलेंट टू 1 के ऑर्बिट को देखो तो ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, तो बैक एंड फोर्थ मूव करने के अंदर जो है ये एक स्टेशनरी वेव का पैटर्न जो है वो क्या करवा लेता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस करवा लेता है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो वो स्ट्रेटली कभी भी नहीं मूव करता, वो बैक एंड फोर्थ इस तरह से स्टूडेंट्स मूव कर रहा होता है कि वो जो है वो यहाँ पे यूँ इस तरह की स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करवा लेता है। ठीक है, और यही मेन कॉन्सेप्ट है किसका, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाता है, और इन वेव्स की जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट्स, वो लैम्डा इज इक्वलेंट टू एच ओवर एम वी के फॉर्मूला से हम जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें कि एक ऑर्बिट का जिसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस अगर आप निकालना चाहें तो वो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है 2πr के। ठीक है, हमें पता है सर्कल का सरकमफेरेंस हमेशा 2πr होता है, लेकिन हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने n इज़ इक्वल टू 1 नहीं कहा, हमने कह दी कोई भी nth ऑर्बिट है जिसका रेडियस rn है, तो इसका सरकमफेरेंस 2πrn के क्या हो जाएगा, इक्वलेंट आ जाएगा। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हम अगर कंपेयर करें उससे जो हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उनको अगर आप देखें तो वो किस टाइप की हमने वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी, उनको हम यहाँ पे अगर बनाएं उस पैटर्न को तो वो क्या आएगी। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने यूँ लिया था, ये दो हमने एंड्स लिए फिक्स्ड, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हमने वेव्स प्रोड्यूस करवा के वहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जब हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी जो कि दोनों साइड से फिक्स्ड हुआ हुआ था, तो कुछ इस तरह की आपके पास जो है वो वेव्स क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी। अब अगर आप कह लें इसकी लेंथ जो है वो एल के इक्वलेंट है, ये पूरी स्ट्रिंग की जिसमें नंबर ऑफ वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो 1 लैम्डा कब होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है एक नोड से एक नोड लैम्डा बाई 2 होता है, तो यहाँ से यहाँ भी लैम्डा बाई 2 होगा, और लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इतना पार्ट आपके पास लैम्डा के इक्वलेंट आ जाएगा। सो यही जो पार्ट है ये आपके पास लैम्डा है, और यहाँ से ये हिस्सा आप
आपने लेंथ ले लिया। सेम इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का भी पार्ट, यानी एक नोड से दूसरे नोड लैम्डा बाई टू, इस नोड से इस नोड लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपके पास सिंपली लैम्डा के जो है वो इक्वलेंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए इक्वेशन आपने पढ़ी थी एल इज इक्वलेंट टू एल इज इक्वलेंट टू एन लैम्डा की फॉर्म में, ऐसे ही था। अब अभी हमने जो है वो अगर देखें कि हमने क्या किया है, हमने अपने जो है वो इस ऑर्बिट को कंसिडर किया है, ठीक है। स्ट्रिंग आपने ये वाली ली हुई थी जिसकी वैल्यू एल इज़ इक्वलेंट टू एन लैम्डा के इक्वलेंट थी। अब अगर आप इसी स्ट्रिंग को लें और इसको यूँ सर्कल में रोल कर दें, ठीक है, तो सर्कल में रोल करने की वजह से आपको इसकी लेंथ नहीं बल्कि सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, और इसका सर्कमफेरेंस जो है वो सेम उतना ही होगा जितनी इसकी लेंथ थी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एक सर्कल में रोल करेंगे, सर्कल में रोल करने से जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस आएगा वो इक्वल होगा किस चीज़ के, आपके इस स्ट्रिंग की लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन जो है वो सेट कर दी कि एल किसके इक्वल है, टू पाई आर एन के जो है वो इक्वल है, और रेडियस इसका जो है वो क्या है, कोई आर एन के इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स इसको जो है वो हम ये वाली वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं क्योंकि एल एन लैम्डा के भी इक्वलेंट है। सो कंपेयर कर लें अगर इस चीज़ को और यहाँ से लैम्डा निकालें तो क्या आएगा, टू पाई आर एन ओवर एन के इक्वलेंट हमारी जो है वो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट डी ब्रोगले वेवलेंथ हमने क्या पढ़ी हुई है, लैम्डा इज इक्वलेंट टू एच ओवर एम वी के इक्वलेंट होती है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा है, तो क्या आएगा, एच ओवर एम वी किसके इक्वल है, टू पाई आर एन ओवर एन के, ठीक है। एक इक्वेशन ये ली, दिस इज़ इक्वेशन वन एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू, एंड किया क्या हमने, कंपेयर वन एंड टू, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो आ जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर जो है वो आप इसको सॉल्व करें मज़ीद तो ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इस पार्ट को उधर ले जाएं तो क्या आता है, एम वी आर एन टू पाई, और इस एन को वहाँ ले जाएं तो एन एच आ जाएगा, ठीक है। एम वी आर एन को यहीं रहने देते हैं और टू पाई को उधर ले जाते हैं तो एन एच ओवर टू पाई आ गया। इसका मतलब अगर आप इस रिज़ल्ट को गौर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एम वी आर एन इज़ इक्वलेंट टू एन एच ओवर टू पाई, ठीक है। तो क्या ये बोहर पोस्टुलेट नहीं था, जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के हमने पोस्टुलेट देखे थे उसी का इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है एच कट के या फिर एच ओवर टू पाई के, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाता है, और ऐसी स्टेशनरी वेव्स को हम पार्टिकल वेव्स का भी जो है वो नाम दे देते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक डी ब्रोगले हाइपोथेसिस।